हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। तो यस, हमने पिछली क्लास में क्या किया था, 50 विलोम शब्दों को हमने प्रैक्टिस किया था उसमें, ठीक है। आज हम कंटिन्यू करेंगे उससे आगे के विलोम शब्दों को अपनी क्लास में, ठीक है भाई। तो उन विलोम शब्दों को आज कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास में, तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक। इनके अलावा जितने विलोम शब्द हम करा देंगे, इनके अलावा आपको मेरे हिसाब से तो कहीं से और भी कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इनको पढ़ लीजिएगा, आपके लिए मोर देन सफिशियंट है ये, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो भाई आज जो हमारा होगा वो है हमारा 51 से हम शुरू करेंगे। तो सबसे इसमें 51 हमारा आ जाता है नूतन। नूतन के लिए आता है, नूतन मतलब नया, और फिर उसका ऑपोजिट आ जाता है पुरातन, और पुरातन मतलब पुराना। फिर आता है बंधन, बंधन का मतलब मैंने समझाया था, और फिर क्या होता है मुक्ति। तो बंधन के हमारे दो शब्द हो सकते हैं, बंधन के हमारे दो विलोम शब्द हो सकते हैं, मुक्ति या फिर मोक्ष, ठीक है। दो हो सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, क्लियर है। मुक्ति और मोक्ष यहां लिख देती हूँ, ठीक है। मुक्ति और मोक्ष दो हो सकते हैं, ठीक। ठोस, ठोस मतलब किसी भी सॉलिड, कोई भी सॉलिड चीज वो ठोस होती है, और उसका हमारा विलोम शब्द हो जाता है तरल, ठोस का तरल। फिर आता है यश। यश मतलब, यश का मतलब होता है फेम, फेमस होना, समृद्धि, नाम, ठीक है। और अपयश, कि अपयश का मतलब हो गया कि जब यश मिला, यशस्वी हो गए, ठीक है, तो उसके बाद किसी वजह से क्या हो गया, थोड़ा सा कंफ्लिक्ट की वजह से वो यश चला गया, तो वो हमारा अपयश होता है। सगुण, गुणों से भरपूर। निर्गुण, गुणों से क्या है, बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं आता। मूक, वाचाल। मूक होता है ना बोलने वाला, वाचाल होता है बातूनी, बात करने वाला। रुग्ण, बीमार, स्वस्थ, स्वस्थ। रक्षक, रक्षा करने वाला। भक्षक कौन है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो रक्षा ना करता हो और बिल्कुल क्या हो, ब्रूटल हो, यानी कि निर्दयी, जिसको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, ना इंसानियत का पता, ना कुछ, उसको भक्षक कहते हैं। वरदान, अभिशाप। शुष्क, आद्र। शुष्कम का मतलब होता है सूखा, आद्र का मतलब होता है नमी। आद्र का क्या मतलब है, नमी, ठीक है। हर्ष, शोक। क्षणिक, शाश्वत। क्षणिक का क्या मतलब हुआ, जो क्षण भर के लिए, शाश्वत जो एक लंबे समय के लिए, हमेशा हमेशा के लिए कोई चीजें है, ठीक है। विधि, कानूनी तरीके से जो भी कार्य किया जाता है वो विधि कहलाती है। निषिद्ध, निषेध का मतलब होता है कि जिसको आप, जो भी चीजें आपको करने के लिए मना किया जाए, ठीक है, वो निषेध होता है। जैसे कहते हैं कि भाई जंगल में जाना निषेध है, आप यहाँ नहीं जा सकते, मतलब कोई खतरा है, ठीक है। विधवा, सधवा। शयन, जागरण। शयन मतलब सोना, जागरण मतलब जागना। शीत, ठंड, उष्ण, गर्मी, ठीक है। सक्रिय, निष्क्रिय। सक्रिय मतलब काम करने वाला, निष्क्रिय मतलब कैसा है, सुप्त है, बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा। सफल, असफल, ये तो मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं। सज्जन, दुर्जन। सज्जन कौन होता है, जो शिष्टाचारी व्यक्ति होता है, ठीक है, बोलने की पूरी उसको क्या रहती है, उसकी बोलने में बहुत पराकाष्ठा होती है, बोलता वो बहुत अच्छे से है, तो ऐसे व्यक्तियों को सज्जन व्यक्ति कहते हैं। दुर्जन, जिसे ना बोलने की तमीज, ना किसी से बात करने की तमीज, और ना उसको चलने फिरने किसी भी बात की कोई तमीज नहीं होती, ऐसे व्यक्ति क्या कहते हैं, दुर्जन कहते हैं, ठीक है। पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी ने भी चलते फिरते में अपनी वो दिखाना शुरू कर देते हैं कि हाँ मैं बहुत दबंग आदमी हूँ, तो ऐसे व्यक्तियों को दुर्जन कहते हैं। परोपकारिता से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। शुभ, अशुभ। संतोष, असंतोष। आतुर, शांत। आगामी, विगत। आरोह, अवरोह। आचार, अनाचार, ठीक है। आदत, प्रदत्त। आदर, अनादर। ये आदत है और ये आदर है। उचित, अनुचित। आरंभ, अंत। आहान, विसर्जन, ठीक है। आहान जानते हो ना, आहान और विसर्जन, जब जैसे गणपति बप्पा को लेकर आते हैं, तो जब उन्हें लेकर आते हैं तो वो उनका आहान करना होता है, विसर्जित करना, जब उन्हें क्या करते हैं, उन्हें छोड़ के आते हैं, तो वो उनका विसर्जन होता है।
ठीक है। ऐसे ही जो देवी के 9 दिन होते हैं, पहले दिन हम मूर्ति को, जो हमारी देवी माँ होती है, उनको लेकर आते हैं, फिर उनकी 9 दिन पूजा करते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, विसर्जित करते हैं। ठीक है। आवृत अनावृत, आकर्ष विकर्ष, ये ऐसे शब्द हैं जिनका आपको अच्छे से पता है, जिनका मैं मतलब नहीं बता रही हूँ। आहार अनाहार, आशा निराशा, आधुनिक प्राचीन, ठीक है, आशीर्वाद अभिशाप, ठीक, आसक्त अनाशक्त, आगमन गमन, आध्यात्मिक भौतिक। आध्यात्मिक कौन? जो स्पिरिचुअल बातों में यकीन रखते हैं, ठीक है, तो ये हमारे आध्यात्मिक हो गए। ठीक। दूसरे कौन होते हैं? भौतिक, जो प्रैक्टिकल बातों पर विश्वास करते हैं। ठीक है। किसी ने अगर ये कहा कि बिल्ली रास्ता काट गई, अशुभ हो गया, तो ये क्या हो गया? ये हमारा एक मिथ होता है। चलो ये तो मिथ की बात हो गई। ठीक है। आध्यात्म क्या कहता है? कि पीपल के वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। ठीक है। आध्यात्म क्या कहता है? कि पीपल के वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। इसकी ये कैसा होता है? ये पूजनीय होता है। ठीक है। भौतिकता ये कहती है कि पीपल के वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, ये पूजनीय है। किस लिए है? क्योंकि ये सुबह और शाम दोनों ही समय में क्या करता है? ऑक्सीजन का रिलीज करता है। ठीक है। इसीलिए ये क्या है? इसीलिए शायद इसको पूजनीय माना जाता है, शायद नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। ठीक है। तो ये भौतिकता होती है कि आप किसी भी तरह के मिथ में नहीं जी रहे हैं, वो भौतिकता होती है, वैज्ञानिक तरीके से आप जीते हैं। आस्था अनास्था, ये तो सभी जानते हैं। इच्छा अनिच्छा, ऊपर पढ़ चुके हैं। इहलोक परलोक, इहलोक होता है यही लोक, परलोक होता है दूसरा लोक। ठीक है। ईश्वर अनीश्वर, ईर्ष्या प्रेम, उत्कर्ष अपकर्ष, उषा संध्या, उग्र सौम्य, उदार अनुदार। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? ये कुछ हमारे विलोम शब्द हैं। ठीक है। इनको आप क्या कर लेंगे? या तो यहीं कहीं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप क्या करें, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको वहां पे इसका लिंक, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिलेगा, वहां से आप इसको क्या कर लेंगे, इसका प्रिंट आउट ले लेंगे और वहां से इन्हें पढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है। फिर आ गए जैसे उपकार अपकार। ठीक है। उन्नति अवनति, उपयुक्त अनुपयुक्त, उपाय निरुपाय, एकांगी सर्वांगीण। एकांगी क्या होता है? एकांगी का मतलब होता है एक के लिए काम करने वाला, सर्वांगीण का मतलब होता है सबके लिए काम करने वाला। ओखली मूसल, ठीक है, ओछा गंभीर, ठीक है, ओज ओजहीन, ओजस्वता ओजहीनता, ये दोनों को लिंक कर लेना। ओजस्वी ओजहीन, यानी कि ओजहीनता या ओजस्विता, ओजस्वीन, तीनों को आप एक साथ क्या कर सकते हैं? लिंक कर सकते हैं। ठीक है। ओट प्रकट, ओट का मतलब होता है छिपना, ठीक है, ओढ़ना बिछाना, ओतप्रोत विलग, ओगत सुगत, औद्योगिक अनौद्योगिक, औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक जानते हो क्या होता है? जिसको हम हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। ठीक है। औपचारिकता क्या होती है? कि अगर जैसे आपके घर में कोई आया, ठीक, तो वो औपचारिकता होती है कि आपने घर आए मेहमान के लिए आपने कहा कि आइए बैठिए, उनको पानी दिया, उनको नाश्ता वगैरह कराया, उनके साथ अच्छे से बात की। ठीक है। तो ये औपचारिकताएं होती हैं। ठीक है। इसको हॉस्पिटैलिटी भी कहते हैं। क्लियर है बात? अनौपचारिकता, कोई आपके घर आया, हाँ ठीक है आ गए, आपने कोई उनको भाव नहीं दिया, आपने कोई उनके साथ क्या नहीं किया, कोई उनके साथ अच्छे से बात नहीं की, कुछ नहीं पूछा, उन्हें पानी के लिए भी नहीं पूछा, ये अनौपचारिकता होती है। ठीक है। बहुत से लोग घर में गेस्ट आते हैं, आप जानते भी हैं उन्हें, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, ये सब औपचारिकता होगी, कोई जरूरत नहीं। ठीक है। तो ये सभी चीजें औपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक यही होता है। ठीक है। फिर वही सेम चीज आ जाती है, औपचारिकता और अनौपचारिकता। क्लियर है? औघर सुघर, औंधा सीधा, औंधाना सीधा करना, औचक अक्सर। ठीक है।
औचित्य अनुचित्य, औचक नियमित, औचक का मतलब होता है कभी कभी, और औचक के लिए हमारे दोनों आ जाते हैं, अक्सर और नियमित। ठीक है, कि औचक का मतलब हो गया कभी कभी जो कार्य होता है, नियमित का मतलब होता है रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। ठीक, औरत मर्द, औलाद वालिद, औलाद कौन होती है बच्चे, वालिद किसको कहा जाता है माता पिता को, तो अब यहाँ पे किसको कह सकते हैं औलाद, वालिद की जगह आप माता पिता भी कह सकते हैं। ठीक है, ओवल आखिर, अव्वल जानते हैं, ओवल ओवल है ये, अव्वल अव्वल जो कहते हैं ना कि हमारा बेटा अव्वल आया है, ये ओवल वो वाला है, आखिर लास्ट वाला। ओहाती विधवा, विधवा के लिए हाँ सधवा भी आता है और ओहाती भी आता है। कनिष्ठ ज्येष्ठ, कृष्ण स्थूल, कृष्ण शुक्ल, कृष्ण और शुक्ल जानते हो ये किस वजह से है। ठीक है, कृष्ण और शुक्ल क्या होता है, जो आपका एक महीना होता है ना, जो क्या होता है एक महीना होता है, उसमें दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष, तो ये उसी की बात की जा रही है। कृष्ण पक्ष कौन सा, पूर्णमासी के बाद का जो 15 दिन का काल होता है। ठीक है, पूर्णमासी के बाद का, ठीक यहाँ बता देती हूँ, जो पूर्णिमा पूर्णमासी के बाद का जो 15 दिन का काल होता है उसको क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं। ठीक है, ठीक, ये क्या हुआ, कृष्ण पक्ष हुआ, पूर्णमासी के बाद का 15 दिन का काल कृष्ण पक्ष कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो अमावस्या, अमावस्या के बाद 15 दिन का जो काल होता है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का मतलब होता है उजाला, यानी कि अमावस के बाद जो आपका चंद्रमा है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, इसीलिए अमावस के बाद के जो 15 दिन लगाए जाते हैं वो किसमें लगाए जाते हैं, वो चांदनी रातों में लगाए जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे वो फिर वो चांद किस तक आ जाता है, पूर्णमासी तक। पूर्णमासी के बाद वाला जो 15 दिन का काल होता है, यहाँ पे जो चंद्रमा होता है वो घटता है, चंद्रमा क्या होता है यहाँ पे घटता है, तो इस चंद्रमा के घटने का जो क्रम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष, क्योंकि अभी क्या आने वाला है, अंधेरा आने वाला है। ठीक है, समझ आ गई बात, कृष्ण और शुक्ल इसके लिए लगाए गए, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, आगे आ जाते हैं, ग्रामीण शहरी, छली निश्चल, छूत अछूत, जल थल, जन्म मृत्यु, जंगली पालतू, दयालु निर्दयी। ठीक है, धीर अधीर, ठीक है, गंभीर को भी कहते हैं, धीर जो कहते हैं वो गंभीर को भी, जिसके अंदर धैर्य होता है, थोड़ा पेशेंस होता है। ठीक है, नख शिख, निंदा प्रशंसा, पक्ष विपक्ष, ठीक है, पूर्ण अपूर्ण, पर किया स्वीकिया। ठीक है, पर किया क्या होता है, जिसको पराया कर दिया हो, स्वीकिया जिसको अपना लिया हो। ठीक है, भद्र अभद्र, अच्छा लगता है भद्र, जो चीज अच्छी नहीं लगती वो अभद्र, भाव अभाव। ठीक है, राग विराग, चल अचल, जटिल सरल, निर्मल मालिन, नश्वर अनश्वर, प्रभु दास। ठीक है, प्रभु के लिए आप एक और शब्द लिख सकते हैं भक्त, दास भी लिख सकते हो, भक्त भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है भाई इतना। ठीक है, तो आज की क्लास में मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट है, इतने बहुत हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम अपने टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और विलोम शब्दों के साथ। देखो ये ज्यादा टफ नहीं है, है ना, बस थोड़े से हमें क्या है, एक दो बार पढ़ने की जरूरत है, ये एक दो बार पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे, ये ऐसे टॉपिक होते हैं एक दो बार पढ़ते ही समझ में आ जाते हैं। ठीक है, जो ऑन बोर्ड क्लास थी वो मैंने इसलिए नहीं ली, इसके लिए क्योंकि ये सारे के सारे इस तरह से लिखना पढ़ना, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो इस तरह का पीडीएफ आपके लिए भी आसान रहेगा, और आप इसका अब यहाँ से चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना तो हमारा टेलीग्राम चैनल है ही, आप उस पे से इनको क्या कर सकते हो, आराम से वहां से
डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट निकलवा लेना, और उसके बाद इन्हें आराम से क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। क्लियर है आज तक बात? आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।